मैं एक मेथड से कराऊंगा, दैट इज पार्ट बी से करवा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट ए खुद कर लोगे आप लोग, इजी था। मैं पार्ट बी करवा रहा हूँ, और बेटा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में चॉइस होती है, यूज एनी मेथड। बेटा हुआ वेरी नाइस, गुड। देखें इक्वेशन गिवन आपको 2x² - 6x + 1। अब इसको आपने कन्वर्ट करने जनरल फॉर्म में यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब फर्स्ट स्टेप क्या था उसके लिए, कि आपने जो भी x स्क्वायर कोएफिशिएंट उसको वन करना है, प्लस वन करना है, तो उसके लिए मैं इन तीनों में से टू कॉमन ले रहा हूं। तो पाथ में सपोज वेरी नाइस, जब आप टू कॉमन लोगे तो ये x स्क्वायर, ये -3x और ये +1/2 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, राइट। चलो बेटा वेरी नाइस। अब उसके बाद आपने फॉर्म करना है फॉर्मूला, तो उसके पैटर्न क्या था, ए स्क्वायर -2 × a × b, फिर यहाँ पे आप बी स्क्वायर ऐड भी करोगे और बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करोगे, और ये मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके बाद जो आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू 1/2 है, उसको हम सेम कॉपी करेंगे। अब a क्या आपका x, b, अब यहाँ पे जो भी आपके x कोएफिशिएंट आ रहे हैं इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/2 से, इट मींस कितना हो जाएगा आपके 3/2 जाएगा। तो जहां भी b आ रहे हैं वहां पर पुट करो आप 3/2, गुड। देखिए 2 × अब ये बन गया फॉर्मूला, a² - 2ab और +b², तो इसको मैं a - b² कॉपी कर सकता हूँ। देन -3/2² क्या होगा, 9/4, और +1/2 सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब इस 2 को तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 2 × x - 3/2² हो जाएगा, +-, ये 9/2 हो जाएगा। जब आप 2 को 9/4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस जब आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इक्वल्स टू क्या होगा, 1। तो 2 × x - 3/2² जब आप इन दो को ऐड करोगे तो ये -7/2 आ जाएगा। बेटा हम ये बात मैंने कल ही बताई थी बेटा, कि हमेशा इसको 1/2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा आपको 2ab का मल्टीपल मिलता है। तो फॉर्मूले क्या होता है आपके, a² - 2a + b², तो 2ab का जो फैक्टर है वो हमेशा आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही मिलता है। तो इसलिए हमेशा हम उस फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म से कंपेयर करूं, जब आप इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे, दैट मींस ए कितना हो गया आपका, 2। देखो एच क्या हो जाएगा, 3/2, बेसिकली माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और के क्या होगा आपका, -7/2। ए एच और के, अब कल मैंने आप लोग कुछ चीजें लिखवाई थी, आप लोग बड़े याद हो शायद, कि अगर आपके ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसे बनता है, कप ऑफ शेप बनता है, इसके टर्निंग पॉइंट क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इससे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके, h, k। अगर आपके a नेगेटिव हो तो ग्राफ कैसे बनता है, कप डाउन शेप, टर्निंग पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके, h, k। इसे कहते हैं मिनिमम कर्व,
इसे कहते हैं मैक्सिमम कर्व। डेसिमल भी हमसे फ्रैक्शन में शो करते हैं उसको। अब जल्दी पहले तक कॉपी करो सर, ये पॉली रिकॉर्ड पॉली वर्किंग दिखाएगा। सही, ये मैंने सेकंड मेथड यूज की। फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, कंपैरिजन मैंने वो शो नहीं किया। सर मेरी के की वैल्यू 2 आ रही है। नहीं बेटा गलती कर रहे हो, तुम वर्किंग चेक करो पूरी। सर जी बेटा आज भी हमें मैथ्स के ट्यूटोरियल में लास्ट वीक की तरह सिर्फ एक नोटबुक और स्टेशनरी लेके जानी होगी ना? जी बेटा वही नहीं है। जी बेटा आगे बढ़ो। जी सर। गुड, अब देखो आप लोग नेक्स्ट चीज नोट करो, दैट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट डिनोट करो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्योंकि इसके दो पैटर्न हैं, दो लिख पा रहा हूं। फर्स्ट वन, अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, अगर इसमें कन्वर्ट करो इनइक्वालिटी में, यहां पे साइन लगा दो लेस देन जीरो, ये बन गई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब अगर आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी उसमें साइन लेस आ, अब देखिए जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो आपको दो आंसर मिल रहे होते हैं। ये जो दो आप आंसर फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक के, ये इसके रूट्स कहलाते हैं, ये इसके रूट्स कहलाते हैं। रूट्स मीन्स क्या होता है? जिस पॉइंट पे आपका कर्व आपके एक्स एक्सिस से मीट कर रहा है, मतलब आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व की, एक आंसर आपको मिल गया x1, एक आंसर मिल गया आपको x2। अब थोड़ी सी बात ओ लेवल समझिएगा आप लोग, आप सब ने ओ लेवल में पढ़ी होगी इनइक्वालिटीज में लाइन को शेड्स करते हैं, लाइन में शेडिंग करते हैं ना। अब अगर आपकी लाइन गिवन आपको y = 0 समझिएगा बात, तो आप लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस, तो x एक्सिस मींस क्या होता है लाइन y = 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि जी आपने शेड करने के y 0 से ग्रेटर हो, तो आप कहां शेड करोगे? आप इस लाइन के ऊपर शेड करेंगे, ये तो y 0 है, आप इससे ग्रेटर ये पार्ट होगा और ये लाइन भी आप डॉटेड ड्रॉ करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं आप शेड करें y लेस देन 0, तो आप इस लाइन से इनकी शेड करेंगे, ऐसे ही करते हैं। अब ये पूरा आपकी कर्व की इक्वेशन मतलब y, और यहां पे क्या आपका लेस देन 0, तो मुझे इस लाइन से नीचे पार्ट चाहिए, जो आपको इस लाइन से नीचे पार्ट चाहिए बेसिकली वो आपका रीजन जो कर्व बाउंड कर रहा है विद द एक्स एक्सिस वो ये होगा। दैट मींस इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ ये पार्ट शो करेगा, तो इस पार्ट के आंसर हम किस फॉर्म में लिखते हैं कि x1 less than x less than x2। तो जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस फॉर्म में होगी तो उसका आंसर इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये पैटर्न है जो आपको याद रखनी पड़ेगी।
जी बेटा अपना आंसर रिपीट करता हूँ। अब देखिए इसी पैटर्न से सेकंड वन कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर साइन ग्रेटर का आ रहा हूं और जीरो आ रहा हूं, अब इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको ग्राफिकली बात करूं अगेन, आपने ग्राफ ड्रॉ किया, इसके आपको दो रूट्स मिले एक्स वन और ये एक्स टू। सर ये दोनों केसेस जो आप बना रहे हैं ये ए ग्रेटर देन जीरो के हैं ना? नहीं, बिल्कुल लेस था, यहाँ पे लेस था, यहाँ पे साइन नहीं सर, ये ए ए की ए की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ओके, ए ग्रेटर नहीं, वो दोनों को दोनों जैसे ही होगा। अभी इसके जरूर सॉल्व कराऊंगा। अब आप एक बात समझ लें, अगर मैं आपसे बोलूं जी भी देखो यहाँ पे साइन ग्रेटर है, ग्रेटर मीन्स जब आपको जो शेड करना है वो आपको लाइन से ऊपर शेड करना है, जो साइन ग्रेटर का आ रहा है, तो अब ये लाइन और ये कर्व जो लाइन से ऊपर पार्ट शेड कर रहे हैं मतलब प्रेजेंटेशन बाउंड कर रहे हैं, एक ये पार्ट शेड हो रहा है और एक ये पार्ट शेड हो रहा है, तो लाइन से ऊपर और कर्व के बिटवीन सिर्फ यही एरिया जो वो रीजन बाउंड हो रहा है। अब अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूँ तो ये सारा वो पार्ट है जो आपकी इस x1 से क्या है लेसर है, तो इसका एक आंसर होगा आपका x इज लेस देन x1, और ये वो पार्ट है जो आपकी इस x2 से क्या है ग्रेटर, तो आप देखेंगे x इज ग्रेटर देन x2। तो जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी और साइन स्क्वायर ग्रेटर का होगा तो उसका आंसर हमेशा इस पैटर्न से कॉपी किया जाए। सर तो ग्राफ के अंदर वाला रीजन क्यों नहीं शेड किया? ग्राफ बनाया नहीं जाता, खाली ग्राफ में समझाने के लिए बना रहा हूं। अच्छा ओके, मतलब आपने सिर्फ ये पैटर्न ध्यान रखने की इसका आंसर इस फॉर्म में लिखा जाएगा, इसका आंसर इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये फॉर्म बन कैसे रही है इसको समझाने के लिए मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया। एग्जाम में ग्राफ की जमीन नहीं होती। सर ये x is lesser than x1 वाला समझ नहीं आया। कौन सा? सर ये जो आपने लिखा है x is lesser than x1 और x is greater than x2। बेटा एक बात सुनो, क्या देखो, अब अगर आपका साइन यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेटर है, कि आपको इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट है वो चाहिए। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब ऊपर पार्ट वो चाहिए होगा तो आपके एक्स एक्सिस और आपकी कर्व के बिटवीन एरिया बाउंड होगा, तो ये होगा सारा, बाकी ये पार्ट तो आपको ओपन है। अब ये पार्ट कौन सा है जो आपके इस एक्स वन से क्या है लेसर है, यही लिखा ना। अब आपके ये पार्ट वो है जो आपके इस एक्स टू से क्या है ग्रेटर है, तो यही लिखा ना। ठीक है सर, समझ गया। राइट बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा। ये दो पैटर्न आप लोगों ने याद रखना। अभी बताओ सब ने कॉपी कर लिया इसको? यस सर जी सर। अब आप लोग क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वन सॉल्व द इनइक्वालिटी। फर्स्ट वन x plus 2
होल स्क्वायर लेस देन फोर, पहले इसको सॉल्व करना है। अब बेटा पहले एक एग्जाम्पल समझना, उसके बाद फिर आपने कॉपी करना, ठीक। पहले एक दो एग्जाम्पल समझ लो कि आपको एक पैटर्न समझ में आ गई, बहुत इजी चीज है। अब सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो आप पहले x प्लस टू होल स्क्वायर जो है सिक्स फाइंड करो, फॉर्मूले क्या आपके ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर सिक्स फाइंड किया आपने, बाकी लेस देन फोर सेम कॉपी कर। फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, जब आप इस फोर को वहां शिफ्ट करोगे माइनस फोर हो जाएगा और लेस देन जीरो हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अभी लेस देन क्या आपका जीरो। अब यहाँ चेक करो, देखो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक, साइन कौन से लेस। तो अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो और साइन लेस हो तो उसका आंसर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मींस रेंज फॉर्म में आंसर लिखा जाता है। अभी पैटर्न याद रखना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स, एक्स प्लस फोर हो जाएंगे, बाकी लेस देन जीरो। अब यहां से एक्स की देखो दो आंसर मिल रहे हैं आपको, एक आंसर आपको मिल रहा है जीरो और एक आंसर मिल रहा है आपको माइनस फोर। अब ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, मींस ये एक्स वन होगा ये एक्स टू होगा। अब क्योंकि साइन लेस था तो आंसर रेंज फॉर्म में लिखना है, तो एक्स वन लेस देन एक्स लेस देन एक्स टू, ये आपके साथ में। तो ये आपने सॉल्व किए इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो बेटा ये बताओगे ये बात आप सबको क्लियर होगी। सर ये दो आंसर गए सर, ये दो आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक है ना सर। सर ये सबसे छोटी वैल्यू होगी वो x1 की होगी, जो छोटी है वो x1, जो बड़ी है x2, जो x2 की। सही समझ आ गई। गुड बेटा, एक और एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल नंबर टू, नहीं बेटा शेडिंग अगर दिखानी नहीं आपने, और बेटा रशीद आप देखना इसमें फिर समझ लें बात को, अगर यहां से फिर बात किया फिर मुझसे पूछ लेंगे। देखो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब यहाँ पे साइन कौन सा था ग्रेटर इक्वल्स टू, और ये कितना आपके 13। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, इसे एक्सपेंड करो ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्सपेंशन क्या आपकी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस टू एक्स, सेम कॉपी कर रहा हूँ और ये आपके 13। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू ये प्लस फोर हो गया, फिर प्लस वन थर्टीन वहां शिफ्ट कर लू तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व, ये आपके साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इस पर इनइक्वालिटी कौन सी है, देखो साइन कौन सा आ रहा है, साइन ग्रेटर आ रहा है, इट मींस अब मुझे आंसर इस फॉर्म में लिखना है। पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर है सर, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है। एक ही बात, देखो अगर यहाँ पे इक्वल आएगा ना तो बस यहाँ पे इक्वल इक्वल आ जाएगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। अगर उस पर इक्वल का साइन आए तो इक्वल भी स्मैट कर देंगे। ओके सर, अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लेते हैं, इसके फैक्टर क्या है, तो वन फोर सर x = -6 एंड x = 2 जी बेटा, एक फैक्टर बनेगा, फैक्टर बना के दिखाने दो, एक x -2 और एक x + 6, ये दो फैक्टर बनेंगे। यहां से बेसिकली आपको x के दो आंसर मिल गए, एक आंसर मिल रहा आपको -6 और एक आंसर मिल रहा आपको 2। अब इन दो में जो आपका स्मॉलर है वो x1, जो ग्रेटर है वो आपका x2। अब क्योंकि आंसर मैंने इस फॉर्म में लिखे
स्मॉलर से स्मॉलर, ग्रेटर से ग्रेटर. तो आंसर लिखूंगा मैं x less than equals to x1 or x is more than equals to x2, that is 2. ये आपके इसके आंसर क्या है. अब बेटे बताओ कि ये बात बेटा आप सबको क्या हुई सर. वो हमने जो एक्सपेंशन किए थे ना चैप्टर वन में, तो वैसा भी सवाल पूछ सकता है कि x प्लस टू पावर दोनों की पावर फोर ऐसे पूछ सकता है बेटा. वो क्या थी डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आऊंगा. लेकिन सर ये बस ये आखिर में पहली फंक्शन क्वाड्रेटिक ही होगी. सर ये आखिर में आंसर लिखना सिखा दे बेटा. सिर्फ आपको जो पैटर्न वो बेसिकली मैंने आपको ट्रीट किया कि आप साइन जो जब आपकी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर पैटर्न से समझा दें. तो आपने ये साइन जो ग्रेटर है वो आपने यहाँ से फॉलो करना. अगर साइन ग्रेटर इसका आंसर देखो इस फॉर्म में आना चाहिए. तो मैंने इस साइन को पिक किया और फिर ये पैटर्न पिक किया कि मैंने यहाँ वैल्यूज पुट करना. ये पैटर्न याद रखने आपने. तो बड़े बात शुरू क्या हुई सर. एक क्वेश्चन था जी बेटा. सही है. जब जैसे लेस देन जीरो वाले में आप एक ही साथ सारे लिख देते हैं एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू में एक ही स्टेटमेंट बनाते हैं पूरी, ऐसे एक्स ग्रेटर देन जीरो में अलग अलग लिखना जरूरी है. नहीं नहीं बेटा, ये देखो इसमें रेंज बनती है. तो देखो बेसिकली उसमें आपको ये पार्ट चाहिए होगा, ये एक्स वन से एक्स टू जा रहे कंटिन्यूटी कंडीशन के अंदर तो उसकी रेंज बनेगी. इसमें दो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं, ये इससे सेपरेट की जाती है. सही सर. ठीक है बेटा जी, समझ आ गया सर. अभी तो एक एग्जांपल और समझे नहीं, दो मिनट में आप देंगे ना. सर प्रैक्टिस से ही पूछते हैं सर. थोड़ा ऊपर कर दें. चलिए एक इनइक्वालिटी दे रहा हूँ, ये सॉल्व करो. एग्जांपल नंबर थ्री. टू एक्स प्लस वन इंटू फोर माइनस एक्स. और यहां पर साइन कौन से ग्रेटर और ये क्या आपको प्रूव सॉल्व करो उसको. शाबाश. चलिए देखिए बेटा करवा भी रहा हूं. ठीक है, सबसे पहले आपने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है. तो टू फोर एट एक्स हो जाएगा. फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस फोर हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा. अब माइनस टू एक्स स्क्वायर
प्लस एट माइनस एक्स, ये प्लस सेवन एक्स हो जाएगा, प्लस फोर माइनस फोर, साइन कौन से ग्रेटर, ये जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। अब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, अब ये जीरो से क्या है, ग्रेटर। अब बेटा एक बात सब याद रखना, कभी भी स्क्वायर कोएफिशिएंट को आपने नेगेटिव नहीं रखना। जब यहाँ से माइनस वन कॉमन लोगे ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस सेवन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन कौन से, ग्रेटर देन जीरो। अब जब आप इस माइनस को रिमूव करोगे तो बेसिकली आपके जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या होगी, आपकी रिवर्स होगी। अब ये बताओ कि सबने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ये फॉर्म की, पहले बताओ। यस सर, यस सर। ये रिवर्स किया साइन, ये बात सब क्लियर है। कभी भी इनइक्वालिटी में देखो, ओ लेवल आपने पढ़ा होगा, इस एक्स जब भी पॉजिटिव करोगे तो इसके साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। क्यों, बेसिकली ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो बेटा इतनी बात सब क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा किसी को? नो सर। गुड, अब सॉल्व करना है, यहां से कॉमन ले रहा हूं। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, x, ये क्या होगा आपके 2x माइनस 7 हो जाएगा और लेस देन 0। अब देखो यहां से एक आंसर आपको 0 मिलेगा x का, एक आंसर मिलेगा आपको 7 ओवर 2। अब जो स्मॉलर है वो x1, जो ग्रेटर है वो x2। अब आप पैटर्न देखो, अब आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है और साइन कौन सा आपका लेस देन है, तो आंसर किस फॉर्म में लिखा जाएगा, रेंज फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका आंसर रेंज फॉर्म में लिख देते हैं कि x1 लेस देन x लेस देन x2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये बताओ ये बात सब क्लियर है? यस सर, यस सर। बस पैटर्न पिक करो, पैटर्न, अगर आपने पैटर्न में ग्रिप ले ली तो बेटा ये दो चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। ये कॉपी करो और एक एग्जांपल और करो। एग्जांपल करो ये x बल्कि 2x plus 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 8x plus 9, इसको सॉल्व करो जल्दी शाबाश, ट्राई करो। जी बेटा इसे बैड मार्क्स में है लेकिन अभी जब फंक्शन मर्ज होगा ना और जब आप उसकी चीज देखोगे तो आपको एड मार्क्स से काफी डिफरेंट लग जाएगा। और मैं जिससे स्टार्ट दे रहा हूँ तो समझो मैं ये बात एज्यूम नहीं कर रहा कि आपने पहले पढ़ा होगा। आई होप कि मैं शायद सब मैनेज कर पा रहा हूँ कि मैं जो नॉन एड मार्क्स भी हैं आई थिंक उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि जी मैं ऊपर से कुछ पढ़ा रहा हूँ, बेटा मुझे बता दीजिए ताकि मैं फिर कुछ और सोचूं। मेरी कोशिश रही कि मैं इसको बेसिक से लेके चलूं। और एक बात जान रखिए कि मैं क्रिटिक्स को हमेशा वेलकम करता हूँ, अगर आपको लगे कभी जी हाँ कि मैं कुछ थोड़ा मुश्किल कर रहा है, मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, बट आप खुल के मुझसे बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं। डन, वेरी नाइस, चलो देखते हैं। देखिए पहले से एक्सपैंड करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एट एक्स प्लस नाइन, इसको सेम कॉपी करना, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट एक्स प्लस वन माइनस नाइन, फिर साइन कौन सा आपका ग्रेटर जीरो। अब फोर एक्स स्क्वायर जब आप इन दो का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे ये माइनस फोर एक्स हो जाएगा, जब आप इन दो का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे ये माइनस एट हो जाएगा। अब इन तीनों में से फोर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये माइनस टू हो जाएगा। अब जब ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और साइन कौन से ग्रेटर है, राइट, तो इस पैटर्न पे जो आपका आंसर इसका बनना चाहिए। सर आपने लास्ट स्टेप पे क्या किया, ये मैंने सिर्फ फोर कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, इसको सिंपलीफाई कर दिया, राइट। अब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करती हूं, सर रूट्स एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। सर ये लास्ट वाला स्टेप नेसेसरी तो नहीं है ना, हम इससे पहले वाले में भी रूट्स निकाल सकते हैं ना, उस बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इसके अंदर एक रूट आएगा आपको x माइनस टू फैक्टर एक x प्लस वन, आप अगर यहाँ से बेटा सॉल्व करो जब ये आंसर मिलेगा, अब बिल्कुल यहाँ से आपको x दो आंसर मिल रहे हैं, एक आंसर मिल रहा है आपको टू और एक आंसर मिल रहा है आपको माइनस वन। अब इसमें जो स्मॉलर है वो एक्स वन है, जो इसमें ग्रेटर है वो आपका एक्स टू है। अब क्योंकि यहाँ पे साइन ग्रेटर था तो आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे कि एक्स लेस देन एक्स वन और एक्स इज मोर देन एक्स टू, ये इसका आंसर। टुडे बताओ सबके आंसर मैच करेंगे मेरे साथ, जी सर। अब बेटा आप लोगों ने एक काम करना है, यस सर, तो टॉपिकल में से P1 के टॉपिकल में से पेज 28 ये पेज पूरा कंप्लीट करना है लोगों ने, पेज नंबर 28। जी बेटा सर हमने यहाँ पर अगर 4 कॉमन लिया था तो हमने साइन चेंज नहीं किया, नहीं वो जब एक्स स्क्वायर होता जब करता हूँ। सर पेज 28 किसका, अगर आपका स्क्वायर नेगेटिव हो तो फिर वो कॉमन लेके साइन साइन चेंज किया था इनइक्वालिटी। जी बेटा बोलो, ठीक है सर। पेज 28 किसका था मेरा, पेज 28 ये टॉपिकल में से P1 है, ये पूरे पेज आपके इनइक्वालिटी का है सॉल्व करने का, ये एक पेज भी सॉल्व कर लोगे तब तक आपको पैटर्न काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो आपने P1 के टॉपिकल में से पेज 28 कंप्लीट करना है। अब ये तो इतनी बात से बोलते हैं, यस सर। अच्छा मैं एक साथ इस टॉपिक में बर्डनाइज नहीं करना चाह रहा, आप लोग पहले पेज 28 कंप्लीट करो, देखो मैंने आज कोई ज्यादा नई चीज नहीं कर पाई आप लोग, मैंने आपको सिर्फ बताई आज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, राइट। तो सिर्फ अभी ये पेज सॉल्व करो ताकि एक बार पैटर्न पे क्लियर हो जाओ कि पैटर्न आप भी किस तरह पिक करना है। बेटा अभी तो मैं हर थर्सडे प्लान हूँ थोड़े ताकि कोर्स थोड़ा और स्पीड मिले जरा हमको। अब मैं इस पर नेक्स्ट पार्ट जो आऊंगा वो मैं आऊंगा उसके अंदर पहले कर्व की स्केचिंग में और उसके रूट्स पे आऊंगा, देन इसको भी कन्वर्ट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो पहले बताओ सबको इतनी बात क्लियर है आज की, सर ये जो आखिरी आपने जो क्वेश्चन करा इसकी रेंज में बैठे हैं, रेंज की बात करो बेटा, जी सर इसका, हाँ ये आंसर जो है वो एम्ब्रे साइन आप क्या ग्रेटर, अगर साइन ग्रेटर हो देखो आंसर पे इस फॉर्म में लिखे आते हैं, तो मैंने ये फॉर्म पिक की, देखो स्मॉलर से स्मॉलर ग्रेटर से ग्रेटर, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही रखूंगा, ज्यादा स्पीड में नहीं जा रहा, ठीक है। आप बस ये पेज 28 जो मैंने कहा है
इसे कंप्लीट करो ताकि ये जो कंफ्यूजन है आंसर लिखने की इधर कंप्लीट। अगर इन पे स्ट्रॉन्ग नहीं हुए आप लोग तो समझो फिर जो हमने आगे रूट्स की टाइप करनी है फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बेटा, तो ये बस होमवर्क कंप्लीट करो फिर इंशाल्लाह आगे मैं मंडे करूँगा। बेटा P1 ये प्योर मैथ्स पढ़ रहे हैं काम करेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। PDF भेज देगा जी बेटा, PDF भेज देगा, PDF सेंड कर। सही सर, लास्ट सर P1 लास्ट बेटा, P1 है दानियाल, P1।